और क्या हो गया है आपके और बुद्धि और पिछले विवेक साल की को? बात करने की क्या जरूरत है? ये हिजबुल्ला हमास का जो नेक्सस है, आपको याद है ना कि अभी एक महीना हुआ है कि 6 मासूम इजरायली यहूदी ऐसे थे जिनको हमास ने अपनी सुरंगों में सर में गोली मार दी। वो अच्छा। एक साल से हॉस्टेज थे इन्हीं सुरंगों में। अच्छा, और उनको सर में गोली मार करके एग्जीक्यूट किया गया सर। जिन लोगों को आप फ्रीडम फाइटर भगत सिंह बता रहे हैं, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो मासूमों के हत्यारे हैं सर। वकार सुनिए मैम, जब इजराइल बमबारी कर रहा था तो जिनको नीचे अमारतू में 80,000 फलस्तीनियों बच्चे माएं बहनों को शहीद कर दिया, तो मतलब इजराइल वाले क्या कर रहे थे वहां? मतलब आतंकवादियों को मार रहे थे तो मासूम लोगों को सर में गोली मार देंगे? आपको पता है कि हिजबुल्ला ने 2 महीने पहले इसराइल के अंदर एक रॉकेट दागा जिसमें 12 बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे थे वो उसी मौके पे मर गए। ये चीजें आप नहीं बताते हैं। जब आप लोगों को लब्बैक लब्बैक बुलवाते हैं सड़कों पे, उनको आप बताते हैं कि 12 साल का एक बच्चा जो फुटबॉल खेल रहा था वो मिसाइल स्ट्राइक में मार दिया हिजबुल्ला ने इसी नसरल्ला के इशारे पर। अब मैडम सुन तो लीजिए, अगर अगर आप इजराइल एक साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहां आपको दुख नहीं लगा? इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया। मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल जिन्होंने जिनको इजराइल ने मारा वो मुसलमान थे और जो वहां मरे वो यहूदी थे। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप में अंदर क्यों है मैडम? पहले तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपने अभी बोला एक मेरे यहाँ नौजवान है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर है, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला बार बार, वो बोलते हैं कश्मीर में फलाना ये है फलाना वो है, कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था, हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं, हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे। ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है, हम जिसके लिए बात करें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं और जहां और एक सेकंड, ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पर ये तो डिबेट हो ही नहीं रही है। जहां तक डबल स्टैंडर्ड की बात है, कश्मीर सिर्फ इनका नहीं है, इनको जरा ये बात क्लियर कर दीजिए, कश्मीर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। और जहां तक की बांटने की बात है सर, आपके ही कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा है कि जो कश्मीर 1.25 करोड़ लोगों का हुआ करता था, अब वो 140 करोड़ का हो गया है। तो बांटने की राजनीति की तो आप बात ही मत शुरू कीजिए। पर हर्षवर्धन जी, वकार भट्टी कह रहे हैं कि भाई जब इजरायली बच्चे मरते हैं वो आपको याद रहता है, आपका दिल में बहुत दर्द होता है। जब फिलिस्तीनी बच्चे मर रहे थे उसी का बदला नसरल्ला ने लिया और उसी वजह से आपने उनको आज विलन बना दिया। नहीं पद्मजा, मैं फिर से दोहराता हूँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति अगर उसकी जान जाती है तो ये भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, जो दुनिया के हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह मानता है। और जहाँ इस्लामिक मुल्कों में भी इस्लाम को मानने वाले अलग अलग जो उनके फिरके कहे जाते हैं वो नहीं रह पाते हैं, हमारे यहाँ रह लेते हैं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ शिया सुन्नी भी रह लेते हैं, हमारे यहाँ अहमदिया भी रह लेते हैं, हमारे यहाँ बरेलवी देवबंदी जितने तरह के लोग हैं सब रह लेते हैं। हमारे यहाँ कोई दोयम दर्जे का नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं है कि जो गए उनको भी अलग अलग बांट दिया, मुसलमानों में भी, कि तुम तो हमारे हो ये दूसरे के हो। और क्या ये कोई छिपी हुई बात है कि शिया सुन्नी में भी कितने तरह के संघर्ष है? क्या आज सऊदी अरब ने इस लेबनान वाले जो कमांडर मारा गया है हिजबुल्ला का, क्या उसके लिए शोक संदेश दिया है? जरा बता दीजिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो जरा बता दीजिए। और क्या आप इस तरह से मक्का में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए जा सकते हैं? क्या वहां पर नहीं पुलिस का इंतजाम होता है अगर इस तरह की हरकत करते हैं आप? और भारत में आप शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? भारत में आप बहुसंख्यक आबादी को चिढ़ाने की कोशिश करेंगे? कैसे कर सकते हैं? पहले सुनिए मेरे भाई, बहुसंख्या यहूदी नहीं है, यहूदियों के साथ आपका रिश्ता नहीं, हमारा फिर थोड़ा सा जुड़ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भी पैगंबर हैं और जिनको खुदा मानते हैं ना वो मेरे भी पैगंबर हैं, तो आपका रिश्ता तो दूर दूर तक नहीं है, हमारा फिर एक दीनी रिश्ता है उनके साथ, एक पैगंबर का रिश्ता जुड़ा होगा। आपको इतना दर्द नहीं होना चाहिए जितना हमें होना चाहिए, आप मुझे मत बताइए, ठीक है ना मेरे साथ? सर सुनिए, रही शिया सुन्नी की आपने बात की, शिया सुन्नी के बीच जो हमारे बीच में, उनका तो जुड़ा हुआ है रिश्ता ना, यहूदियों और इस्लाम को मानने वालों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं आप लोग शांति से रह ले रहे हैं? सुनिए, मान जाइए ना, सुनिए ना सर, क्यों सर, नहीं मान जा रहे हैं? मेरे बात मैं आपके बीच नहीं आना सर। देखिए, हिंदुओं के बीच भी दलित राम को नहीं मानता है, बंगाली राम को नहीं मानते हैं,
तो आप क्यों हिंदू बोलते हैं? पता नहीं है, वो मत बोलिए। हिंदू क्यों बोलते हैं? वो मत बोलिए सर, वो मत बोलिए कि दलित राम को मानते ही नहीं मानते, इसमें तो आप खैर पढ़िए ही। फिर आप जो नहीं जानते हैं वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ जितने दलित है एक भी नहीं राम को मानते। मैं प्रूफ कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, हजारों दलित राम को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणवाद को नहीं मानते। आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये एक तरीके से नाक चढ़ा रहे हैं आप? आप जब ये नारे लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, लोगों को भट्टी हैं, ये भी ब्राह्मणवादी हैं, लोगों को भटका रहे हैं, वो बात तो अलग है, पर आप क्या नाक चढ़ा रहे हैं? इनका ओरिजिन कहाँ है? क्या बताइए, क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है इसको नाक चढ़ाने का तरीका है? देखिए, बहुसंख्यक आबादी का देश नहीं है, देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी है, पिछड़े हैं, पिछड़े और दलितों को छोड़ के ब्राह्मण बेचारे थोड़े से बचते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं यादव राजपूत और ब्राह्मण। सोशल साइंस का लेसन मत पढ़ाइए ना, गुंडागर्दी नहीं चलती है। क्या ये जब आप सड़कों पर नारे लगवाते हैं, क्या ये बहुसंख्यक आबादी को नाक चढ़ाने का तरीका है? बिल्कुल कोई नहीं, आप जाइए देखिए, हजारों हजारों पिछड़ू दलितों को पूछिए उनको, वो हमारे साथ हैं, वो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। चलिए, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जिस सवाल का आपको जवाब ही नहीं पता है, तो आप पता नहीं कहां से ये ब्राह्मण का एंगल ले आए हैं। अहमद अयाज, नहीं मेरा एंगल तो ठीक था, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते उस एंगल को, सुनना नहीं चाहते क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात है?